हाँ कोई बात नहीं, बिना सपोर्ट के लिखिए। पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए अपना, 1035 AM 1035। रजिस्ट्रेशन नंबर AM 1035। सर इसको बहुत बलपूर्वक पकड़ना पड़ता तब जाके लिखवाता है। ठीक है, आज की डेट लिखिए, 7 अप्रैल 2024। फिर लिखिए बिफोर संजीवनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट। बिफोर संजीवनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट। टाइम डाल दीजिए 12:12, 12:12 PM। इस समय आपकी उम्र कितनी है? 20.5 हो गई। 20.5 साल। कहाँ रहते हैं? राजस्थान जयपुर में। जयपुर में कितने साल से परेशानी हो रही है लिखने की? सर ये 2021 से हो रही है, 3 साल हो गए सर। दिसंबर 2020 आपने बताया था। दिसंबर 2020 तो 21, 22, 23, 24 लगभग 3.5 साल हो गए। 16 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम आपको शुरू हुई थी, 17 साल की उम्र में। ठीक, क्या दिक्कत शुरू हुई थी उस समय? सर धीरे 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 कंपन करने लग गया था शुरू में। लिखते समय दाहिने हाथ में कंपन होने लगा? हाँ। कहाँ पे कंपन होता था? सारी उंगलियों में? नहीं सर, पहले यहाँ पे ऐसे कम कंपन करता था, धीरे 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 बढ़ने लगा है। फिर यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे सर हाथ में तीन जगह दर्द होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। फिर हाथ दर्द होता है, कंपन करने लगता है, दर्द होता है, दुखता है एक प्रकार से। ठीक है, और लिखते समय हाथ में कंपन होता है? बहुत तेज कंपन होता है सर, बिना सपोर्ट के लिखवास में नहीं आता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत तेज घबराहट होने लगती है सर अंदर से। ठीक है, आपका कहना यह है कि आप बाएं हाथ से जब दाहिने हाथ को सपोर्ट देते हैं तभी लिख तब लिख पाते हैं, नहीं तो उसके वजह, नहीं तो अगर सपोर्ट ना दें तो लिखने में समस्या होती है। तो बाएं हाथ से पकड़ना पड़ता है, फिर ये इसके नीचे कुछ लगाना पड़ता है ताकि इसको अच्छी तरह सपोर्ट मिल सके, ठीक है, तब जाके लिखा होगा। ठीक है, लिखते समय घबराहट होती है, किसी के सामने लिखने में समस्या आती है? जैसे कोई दूसरा अगर कुछ, जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो मेरे से लिखवाक नहीं आएगा, ठीक बहुत है, तेज कंपन लगती है, ऐसे लगता है कि बस आप तो लिखवाक नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, पेन को बहुत कस के पकड़ना पड़ता है? बल पूरा पकड़ना पड़ता है इसको, और पसीना आ जाता है हाथ में, ये हाँ, देखो तो पसीना आ आपका जाता है। आने लग गया अभी। हाँ, अभी 2-3 लाइन लिखने के बाद। हाँ ठीक, इसके लिए आपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है? दिखाया था सर एक बार वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल SMS में दिखवाया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, इससे छोटी मोटी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक। कितने दिन ट्रीटमेंट लिया था? 15-20 दिन लिया था, उससे कुछ हुआ ही नहीं आराम पहले नहीं तो। हुआ और बीमारी लगातार बढ़ रही है? हाँ ठीक है, लिखिए, सेम पैराग्राफ लिखिए। हाँ, 12:12 PM स्टार्ट टाइम। हाँ, अंगूठे के पीछे बहुत तनाव रहता है हाँ क्या? बहुत तेज, यहाँ पे यहाँ ये पे इस जगह लग रहा है कि? खींच ठीक, जाता है बहुत तेज, हाँ पूरी ठीक, नसें खींच जाती है हाथ की, बहुत बलपूर्वक पेन को पकड़ना पड़ता है तब जाके लिख होगा। ठीक। पेन रखते ही हाथ कांपने लगता है, जैसे कागज को टच बहुत करता तेज। है। हाँ जैसे ही पेन लिख को कोशिश करता हूँ तो हाथ इधर बहुत तेज कंपन करने लग जाता है। और कोई काम करने में भी कंपन होता है, जैसे मोबाइल पकड़ने में, खाना खाने हाँ में, सब चाय? मोबाइल में होता है। मोबाइल में होता हाँ है। जैसे मैं अगर क्रिकेट खेलूँ ना तो बैट में नहीं होता ये, हाँ बस जैसे ही जितनी चीज़ें बारीक होती जाएगी ना उतनी हाँ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, ठीक, मोटी चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं होती है सर इसमें। समझ, ठीक।